जिले भर में गत दिनों हुई बेमौसम बारिश और हवा आंधी से एक और किसानों की फसलें तो पूरी तरह खराब हो गई है, वहीं दूसरी ओर व्यापारी भी इससे अछूते नहीं रहे। कृषि उपज मंडी प्रांगण में सूख रही करीब 4 से 5 व्यापारियों की मक्का पानी में बह गई, जिससे व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं गल्ला व्यापारी संघ अध्यक्ष नारायण अग्रवाल ने बताया कि बेमौसम बारिश से मंडी में सूख रही व्यापारियों की मक्का पर्याप्त टीन शेड के अभाव में करीब 1.5 लाख की मक्का पानी में बह गई और खराब हो गई, जिससे हमारे धंधे पर मार पड़ी है। शासन को चाहिए कि कृषि उपज मंडी में बड़े टीन शेडों का निर्माण किया जाए, जिससे व्यापारियों का नुकसान न हो। सेगांव से भूपेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मौसम बारिश से कितना नुकसान हुआ व्यापारियों? हमारे सभी व्यापारियों का, 3-4 व्यापारी मंडी में व्यापार करते हैं, उनका करीबन 1.5 से 2 लाख का नुकसान हुआ है। क्या मक्की गीली हो गई? मक्का गीली भी होकर बह भी गई मंडी में से। क्या कारण से गीली हुई? ये बारिश जो हुई है, बेमौसम बारिश हुई, उसके कारण गीली हो गई। आपके मंडी से क्या मांग है? मंडी से यही मांग है कि मंडी में और सेट बढ़ाया जाए। मंडी में सेट कम होने के कारण गीली हुई? हाँ, मंडी में सेट होने के कारण गीली हुई मक्का। ये क्या नाम लिखते हैं? मैं नारायण अग्रवाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।